शुरू में परमेश्वर हर सब दुनिया ला बनाइस, ओहर आकाश धरती और ओमे जे जायत है सब ला बनाइस। जब हमरे देखती कि परमेश्वर हर का बनाइस, तो हमरे उला देख के अकबकाए जाती। जे जायत परमेश्वर हर बनाइस ओहर सुघर रहीस, सबे जायत हर ओकर महानता भलाई और शक्ति ला प्रकट करत हवे। परमेश्वर हर ढेर से मध्य कर रुख राई जीव जंतु और चराई मल्ला बनाइस, तेकर ओहर माटी ला साइन के आगू कर आदमी ला बनाइस, आउ ओकर नाक में जिए कर सांस ला फूकिस, आगू कर आदमी हर आदम कहाइस। परमेश्वर हवा नाव कर स्त्री ला बनाइस, आउ ओहर आदम कर प्राणी और संगी बनिस। परमेश्वर अपन स्वरूप कस पुरुष और स्त्री ला बनाइस, एकर ले ओमन दोनों जे संगे संगे बगीचा में रहे लागिन और मजा करत रहिन। ओमन बगीचा में परमेश्वर का संगे संगे आनंद से रहत रहिन, जिला परमेश्वर ओमन वर बनाए रहिस। वो बगीचा ला अदन कर बारी कहत रहिन और वो कति दुख और मौत नहीं रहिस। परमेश्वर हर आदम जग कहिस, तय जमेच रुक कर फर ला खाए सकत हवस, खाली एक ठेला झाइन खाबे। अगर तय रुक कर फर ला खाबे ता तय सहीच में मर जाबे। लेकिन एक दिन शैतान जहर भूत मन कर मुखिया हवे और हवा ला परीक्षा में डाले कर उपाय करिस, और हवा हर फर ला टोरिस और चट्टी ककन खाइस और अपन पति ला भी खवाइस। वही घनी परमेश्वर जगले ओमन कर रिश्ता हर टूट गईस, काबर की परमेश्वर पवित्र हवे और जेमन पाप करते और आज्ञा ला नहीं माने ओमन ओकर संगति में रहे नहीं पावे। परमेश्वर हर आदम और हवा ला अदन कर बगीचा ले निकाल दहिस, काबर की ओमन परमेश्वर कर आज्ञा ला नहीं मानिन। एकर ले आदम हवा और ओकर पूरा लइका छुआ मन दुख और मौत कर भागीदार हो गई। लेकिन परमेश्वर बड़ा दयालु हवे, वो सबो मइनसे मन जग माया करे बर नहीं छोड़िस। ओहर सबो मइनसे मन ला फेर से अपन संगति में लाने कर डगर ला आगू ले तैयार कर ले रहिस। वचन में परमेश्वर हर अपन योजना ला प्रकट करिस, जेकर द्वारा ओ मइनसे मन ला ओ दंड ले जेकर ओमन लाइक हवे बचाही, और ओमन कर पाप और दंड ला हटाए के अपन संगति में वापस लान ही। अगम जान्य अब्राहम कर ऊपर ओहर अपन योजना कर एक भाग ला प्रकट करिस। अब्राहम हर परमेश्वर कर ऊपर विश्वास करिस और ओकर आदर करिस। परमेश्वर हर ओके आशीर्वाद देकर जबान करिस और कहिस कि ओकर चलते वो सबेज देश कर लोग मल्ला आशीष देही। परमेश्वर ओके जबान देहिस कि ओ ओकर वंश ला समुन्दर कर बालू कस और आकाश कर तरैया मन कस बगरा कर देही। अब्राहम हर परमेश्वर कर ऊपर विश्वास करिस और परमेश्वर हर ओकर ये विश्वास के चलते ओके धर्मी ठहराइस और लोग मन ओके परमेश्वर कर दोस्त मानिन। एक दिन परमेश्वर अब्राहम कर परीक्षा लेहिस कि वो ओकर ऊपर विश्वास करते कि नहीं। परमेश्वर हर ओके अपन बेटा ला बलिदान करे बर कहिस। अब्राहम जानत रहिस कि यही एक ठे लइका कर चलते परमेश्वर हर जवान देहिस से कि वो ओके ढेरे बड़खा खानदान देही। फिर भी वो परमेश्वर कर ऊपर विश्वास करिस और ओकर आज्ञा ला मानिस, तेकर ले अब्राहम अपन बेटा कर बलि चढ़ाए कर तैयारी करिस। अब्राहम अपन चक्कूला उठाइस, वही घनी परमेश्वर हर कहिस, अब्राहम अपन बेटा ला झाइन पूछ, मैं जानत हूँ कि तय मोर आदर करथस और मोर बात ला माने बर तैयार हवस। तेकर अब्राहम वही जग एक ठे भुंदरा में बाझल भेड़ ला देखिस। अब्राहम वो भेड़ ला लानिस जिला परमेश्वर हर देहे रहिस और परमेश्वर बरिक ओला अपन बेटा कर जगह में बलि चघाइस। जब परमेश्वर हर अब्राहम कर बेटा कर जगह में भेड़ ला देहिस, तो ओहर अपन बड़खा माया ला लोग मन बर प्रकट करिस। ओकर माया एक ठे बढ़िया दाऊ कर माया कस हवे, जहर अपन लइका मन जग माया करथे। ए घटना कर द्वारा परमेश्वर एला प्रकट करिस कि सबो मइनसे मन कर बदले एक ठे बलिदान कर जुगाड़ करही। ढेरे बच्छर कर आगू परमेश्वर हर अगम जानी मन जग बताए रहिस कि वो काही पाप नहीं करे रही, तही आदमी ला
आदम कर लैका छुआ मन कर जगह में बलिदान करे बर भेजी। ओहर लोग मन कर पाप और लाज ला हटाही। अगम जानी मन ए आदमी ला मसीह कहिन। ओमन कहिन कि परमेश्वर अपन लोग मन ला बचाए बर मसीह ला भेजही और सबेज घनी परमेश्वर कर नाम ले ओमन कर ऊपर राज करही। ओकर आए कर ढेरे बच्छर कर आगू अगम जानी मन बताइन कि मसीह हर का करही और ओकर संगे का होही। अगम जानी दाऊद हर कहिस कि परमेश्वर मसीह ला बताही कि तय मोर बेटा हवस। परमेश्वर कर बेटा कर मतलब ये है कि मसीह और परमेश्वर कर ठावे कर रिश्ता हवे और ओहर उद्धार करता और राजा होही। ऐसा ही अगम जानी हर कहिस कि एक कुंवारी आशापत्ति होही और एगोट बेटा ला जन्म देही जे लैका हर परमेश्वर कर हमेशा कर वचन हवे। परमेश्वर ए लैका ला एगोट कुंवारी कर द्वारा दुनिया में भेजीस ताकि परमेश्वर अपने आप ला लोग मन ला देखाय सके। अगम जानी मन ए भी लिखिन कि मसीह कर जन्म बेतलहेम नगर में होही। ओमन कहिन कि ओ यरूशलेम में ओमन कर राजा बन के हलक ही। ओमन ए भी लिखिन कि ओकर एगोट संगता हर 30 चांदी कर सिक्का में ओकेला धोखा देही। अगम जानी मन कहिन मसीह अपन जीवन कर बलिदान करही लेकिन परमेश्वर तीसर दिन में ओके मरल मेले जियाए देही। अगम जानी मन मसीला मइनसे कर बेटा कहिन और बताइन कि परमेश्वर जग वो वापिस फिर जाही और परमेश्वर ओके सब लोग और सब देश कर ऊपर हमेशा कर अधिकार देही। दुई हजार बच्छर कर आगू संसार में एगो टैसना आदमी रहत रहीस जेकर नाव यीशु रहीस। यीशु कर काम ला देख के लोग मन एक दूसर ला पूछिन कि काय मसीह लागे। ये फिल्म हर ये बताते कि यीशु कौन लागे ओहर का कहिस और का करिस जेकस वचन में लिखल हवे। ए फिल्म में एक ठे कलाकार हर यीशु का रोल करिस हवे। वैसे तो कोई एक काम कर लायक नहीं हवे अब ये फिल्म एकर ले बनाइन है कि लोग मन यीशु कर बारे में जान सकें और वो मन सीख सकें। मोर संग मैं तुमके सबेज घटना कर बारे में लिखत हूँ जेहर हमार मझारे होई ताकि तुमन सबेज बैठ कर सबेज सच्चाई ला जान सका। जे दिन में अगस्तुस रोम कर बड़खा राजा रहीस और हेरोदेस अयोध्या कर छोटे राजा रहीस। परमेश्वर हर नासरत शहर कर एगोट कुंवारी जग स्वर्ग दूतला भेजीस ओ कुंवारी कर नाव मरियम रहीस। मरियम झंडरा तोर पर परमेश्वर का अनुग्रह होई से तय गर्भवती होबे और एक ठे बेटा ला जन्म देबे और ओकर नाम यीशु रखबे। इहर कैसे होही मैं तो कुमारी हूँ। पवित्र आत्मा तोर पर उतर ही एकर ले ओ पवित्र लईका सबले बड़का परमेश्वर कर बेटा कहा ही और ओकर राज का अंत कभो नहीं होही। मरियम अपन बहिन ले सिबा जग भेंट करे बर गईस जेहर बुढ़त काल में चमत्कारिक रूप ले आशापति रहीस। एले सिबा मरियम बहिन मरियम तय सब सवांगिन ले धन्य हो लैका जेला तय जन्म देबे कि जैसने च मैं तोर जोहार ला सुने लैका खुशी का मारे मोर पेट में उछलीस। मोर जी प्रभु का स्तुति करथी औ मोर आत्मा मोर उद्धार करता परमेश्वर में खुश होइस। अब ले सब योग कर लोग मन मुके धन्य कही। नासरत शहर के जम जनमन सुना बड़का राजा अगस्तुस कर आदेश ले गलील और यहूदी राज कर जम रहोया मन कर गिनती होही। एकर ले जम झेमन ला हालू अपन राज में जाए के नाम लिखवाए पर हे।
और मरियम अपन मंगेतर यूसुफ कर संगे नाव लिखवाए बर यहूदिया कर नगर बेतलहम गईस। लेकिन बेतलहम में ओमन के रहे बर जगह नहीं मिलीस, ओमन के खाली गाय कर कोठा में जगह मिलीस। देश कर एक धरी में चटिक चरवा मन राती जुवार अपन भेड़ मन कर देख रेख करत रहीं। ते घनी परमेश्वर कर स्वर्गदूत प्रगट होइस और परमेश्वर का तेज ओमन के छेक लेइस। आज के दिन बेतलहम गांव में तुमन बर एक उद्धार करता जन्म से जहर मसीह प्रभु लागे। चरवाहा मन हालू के गोरु मन कर कोठा में जन्मल लैका ला देखे बर गईन। ओमन आगू कर आदमी रहीन जेमन उद्धार करता कर जन्म कर सुघर संदेश ला बगराइन। लैका कर रीति विधि ला पूरा करीन के घनी ओकर नाव यीशु धरीन। यीशु पौ मरियम लैका ला परमेश्वर कर मंदिर यरूशलेम में ले गईन। ओ कति एगोट धर्मी भगत आदमी रहीस जेके पवित्र आत्मा ले वरदान मिले रहिस की जब ले ओ लैका मसीह कर दर्शन नहीं कर लही तब ले नहीं मरही। परमेश्वर तय अपन सेवक ला अपन वचन के अनुसार मोके शांति ले मरे दे। मैं उद्धार करियाला देख लेहन ये लैका परमेश्वर का चुनल हवे। तुमन दोनों झेला आशीष मिले। ओमन ओकर धार्मिक रीति विधि ला पूरा कर दारी तेकर नासरत गांव चल देहीन। जे घनी यीशु 12 साल का होइस ते घनी मरियम और यूसुफ ओके फसा कर तिहार बर यरूशलेम ले गईन। फिरत घनी ओमन सोचिन कि लैका यीशु हर ओमने कर संगे हवे, लेकिन यीशु पाछू कति रह गए रहीस। फेर ओमन ओके खोजे बर शहर में आईन और 3 दिन ले यीशु ला परमेश्वर कर मंदिर में धार्मिक अगुआ मन जग गोट बात करत पाईन। ये ककर बेटा लागे जे हर एक सवाल पूछते हमरे नासरत का लागी। हमरे सोचें एहर हमर संग लागे, गलती कर धारी से माफ कर दिया। लैका यीशु कर गोट ला सुन के सब कोई अकबकाए गई। बेटा तेहर हमर संगे एकर्स काबर करे, हमरे तो के खोज खोज के ढेरेच परेशान हो गए। तुमन मुके काबर खोजा था, तुमन नहीं जाना कि मुके अपन दाऊ कर काम ला पूरा करे बर हवे। और यीशु ओमन कर संगे नासरत फिर आईस और परमेश्वर और आदमी कर अनुग्रह में और बुद्धि और शरीर में बाढ़े लागीस। यहर यीशु कर जीवन कर ऊपर बनल सत्य कहनी हवे। एला लुका कर लिखल सुगर संदेश ले लेहल गई से। प्रस्तुत करता इंस्पिरेशनल फिल्म्स। यीशु बड़खा राजा तिबेरियुस कर राज कर 15वां बछर में पेंतुस पिलातुस यहूदी मन कर मंत्री रहीस और हेरोदेस गलील कर छोटे राजा और हन्ना और कैफा बड़खा धार्मिक गुरु रहीन। परमेश्वर कर वचन यूहन्ना ला मिलीस और वो अगल बगल कर गांव में परमेश्वर कर वचन कर प्रचार करे लागीस। अपन पाप ला छोड़ दिया और बपतिस्मा लिया तब परमेश्वर तुमन का पाप ला क्षमा कर ही। जैसने यशायाह अगम जानी का किताब में लिखल हवे, रेगिस्तान में कोई चिकरात है, प्रभु बरी डगर तैयार करा, प्रभु ला जाए बार सोच डगर बनावा, जम गढ़ा मल्ला भर दिया, जम पहाड़ आऊ चिकराला बराबर करा, ढेड़गा बेड़गा डगर ला सोच करा, आऊ ऊंचा खाल डगर ला
का सम थर करा आओ सब मन से जाए परमेश्वर का उधार ला देखिया हमरे का करी हमके बताए हम का करी ए कर लईका मान बता हमरे का करी हमके बता हमरे कौन डगर में जाए और ककरो जग दुई ठे अंगा है ओला ओ आदमी ला दे दे जेकर जग नहीं हवे आउ जेकर जग खाए बर हवे ओहर बाटे हे गुरु हमरे चंदा लेहेदार हवन हमरे का करी जेतरा ठहराल है ओकर ले बगरा चंदा छीन लिया आउ हमके बता हमरे का करी ककरो धन ला जबरदस्ती झीन लिया आउ ककरो ऊपर झूठ मूठ कर बदी झीन लगावा आपन कमाई में तुमन संतोष करा हम के बता का तें मसी लागस मैं तुमन के पानी में बतिस्मा देहत हूँ लेकिन एक जे आत है जे मोर ले ढेरे महान है मैं ओकर जूता कर बाधल डोराला छोरे लायक भी नहीं हूँ ओ तुमन के पवित्र आत्मा और आगी ले बतिस्मा देही ओकर सुपा ओकर हाथ में हवे कि ओ धान ले कुस्ता लड़ुआए देही और धान ला अपन कुटला में राखी और पवित्र आत्मा हर कबूतर कस यीशु कर ऊपरे उतरीस और स्वर्ग ले आवाज आईस तय मुर दुलरुआ बेटा हवस मैं तोर ले ढेरे खुश हूँ करीब 30 साल कर उम्र में यीशु हर अपन सेवा ला शुरू करीस पवित्र आत्मा ले भर के यीशु यर्दन नदी ले फिरीस और आत्मा कर अगुवाई में यीशु 40 दिन रेगिस्तान में रहीस जिहाँ शैतान हर ओकर परीक्षा करत रहीस ओ घनी यीशु कहीं जायत नहीं खाई ए घनी शैतान हर ओकर जग कहिस अगर तैं परमेश्वर कर बेटा हवस तैं पखना ला कह दे कि रोटी बन जाए ए लिखल हवे आदमी खाली रोटी ले नहीं परमेश्वर का वचन ले जिंदा रही तेकर शैतान ओके पहाड़ में ले गईस और झटेच के संसार कर सब राजला दिखाई ए सब अधिकार हर मोर जग हवे तैं मोके जोहार बेता मैं ए सब धन दौलत और अधिकार ला ता तोके दे देहूं काबर की मैं जे के चाहत हूं ओके ला दे देत हूं लिखल हवे कि तैं अपन प्रभु परमेश्वर का आराधना कर और तैं खाली ओकरे सेवा कर फिर शैतान ओके यरूशलेम मंदिर कर सबले ऊपर छत में ले गई अगर तै परमेश्वर का बेटा हवस त अपन आप ला यहाँ ले गिराए दे काबर की वचन में लिखल हवे कि परमेश्वर अपन स्वर्गदूत मन ला तो के बचाए बर भेज ही और ओमन तो रक्षा कर ही ओमन तो के अपन हाथों हाथ उठाए ले ही की तोर गोड़ में चोट तक झैन लागे वचन में लिखल हवे तै अपन परमेश्वर का शक्ति ले झैन परख Thank you.
ईसु फिर नासरत आईस जिहा ओके पाले पोसे रही। कैसन हवस? बढ़िया हाँ। विषय कर दिन यीशु मसीह नियम अनुसार आराधनालय में गई। अब ओके ऐसा यह अगम जानी कर किताब में ले एक पाठला पढ़े बर कहीं। परमेश्वर का आत्मा मोर ऊपर है, काबर की ओहर मोके कंगाल मल्ला सुगर संदेश सुनाए बचुनी से। ओहर मोके भेजी सवे कि कैदी मल्ला मुक्ति कर और अंधा ला देखे का संदेश सुनाओ। सतावल लोग मल्ला छुड़ाए बा और ये बताए कि दिन आएगी से कि परमेश्वर अपन लोग ला बचा ही। ठीक कहा था। आज वचन के लिखल हर पूरा होइस जे कस्तु मन अझर सुना का परमेश्वर का वचन है पूरा होगी। ए जबान ला तो मसीह हर पूरा कर सकत है। हमरे कैसे जानब? सही में तुमन एक कहावत ल कहिया, डॉक्टर ते अपन बीमारी है तो ठीक कर ले, मोके एकस भी कहिया वही का समर गांव में करके देखा जे कस ते दूसर गांव में करे। मैं तुमन जक कथो कोनो गम जानी मन अपन गांव में इज्जत नहीं पाए। यही कस यीशु अपन पहचान ला बताइस कि संसार कर उद्धार करे बर परमेश्वर ओकेला भेजी से, लेकिन यहूदी मन ओला नहीं मानिन। लोग मन ओके पहाड़ ले गिराए बर करीन, लेकिन ओ भीड़ ले निकल के अपन डगर में रेंग देही। अब कपरनहूम शहर में पहुंचीस। ओ घनी देश रोमी राज कर कब्जा में रही और लोग मन ओकर सताव ले आजादी पाए बर मसीहा ला उग्रत रही। तुमन के शांति मिले। तहूं के मालिक सिमोन तो डोंगा में मैं चघूं कावर नहीं। यीशु हमके छोड़ के धैन जा मालिक, हमके कहीं बता, कहीं बता यीशु हमन के सिखा। एक दर दुई आदमी मंदिर में प्रार्थना करे गई, एगो धर्मी गुरु और दूसरा चंदा लेहेदार। धार्मिक गुरु एक धरी ठड़ होए के एकस प्रार्थना करीस, परमेश्वर मैं तोर धन्यवाद करथो कि मैं दूसर कस लालची झूठा और बेभिचारी नहीं हूँ। मैं तोर धन्यवाद करथो कि मैं चंदा लेहेदार कस नहीं हूँ। हफ्ता में दुई दिन उपास रथो, कमाई कर एक हिस्सा ल देथो, लेकिन चंदा लेहेदार है दुरिया ठढ़ोए के सर कति ल भी नहीं देखिस। अपन छाती ल पीट के कहिस, हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, मोर ऊपर दया कर। मैं तुमन जग सच कथो धर्मी गुरु हर नहीं, लेकिन ये चंदा लेह वाला हर परमेश्वर के नज़र में धर्मी ठहरीस। जे अपन आप ल बड़खा कही वो छोटे हो जाही, पर जे अपन आप ल छोटे मान ही वो बड़खा हो जाही। अपन डोंगा ल गहिल कति ले जा और अपन संगता मन कर संगे मछली मारे बर जाल ल डाल। ओ मालिक, हमरे रात भर मेहनत करें लेकिन एक ओठे नहीं पाए।
अगर तय कहत हस त मैं जाल डाल देहत हूँ। याकूब ये हुन्ना याकूब यहुन्ना डोंगा ला मोर कति ले लाना मोर मदद करा हालू हमरे नहीं आ सकी हेच काम है। प्रभु मोर जग ले चले जा, मैं एक पापी आदमी हूँ। तै झैन डरा, अबले तै लोग मल्ला मोर जग लान दे। मोर जग आवा और मोर वचन ल सुना, मोर बात ल मानिया त जीवन पैहा। प्रभु ल खोजा जब ले भेटाए नहीं जाए, ओके चिकरा और ओ तुमन का ठावे हवे। बुरा आदमी अपन बुराई ला और पापी अपन गंदा सोच ला छोड़ के परमेश्वर जगाही और वो ओमन कर ऊपरे दया करही और ओमन के पूरा तरह ले माफ कर देही। तुमन खुश रहिया, तुमन के शांति मिली। देखा वो आत है, ए वही लागे। येसु येसु मोर कष्ट बेटी है, बचाए ले प्रभु। मोर ऊपर दया कर प्रभु, मोर बेटी 12 साल का हवे, वो मरे वाला है, दया करके मोर संगे चल। याई मोके धेरे दुख है यीशु, तोर बेटी नहीं रही, एकर ले गुरु ल परेशान धैन कर। झैन डरा, विश्वास कर, वो ठीक हो जाए। ते झैन रो, वो नहीं मरी से, वो तो सूता थे। नोनी उठ। एक ही कहीं खाए बर दिया सुरता करिया, ए जग जे होइस ओला ककरो जग झिन कहिया। एकर पाछू हर चंदा लेहेदार मतीला चंदा कर जगह में बैठल देखिस। मोर संगे आओ, हाँ
और यीशु प्रार्थना करे बर पहाड़ में गईस जिहां रात भर परमेश्वर जग प्रार्थना करीस। और आगू दिन ओहर 12 आदमी मन ला चुनीस और अमन ला खास चेला कहिस। सिमोन जेकर नाव पतरस धरिस, ओकर भाई अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना, फिलिपुस और बर्तुलमय और मत्ती और थोमा हलफई कर बेटा याकूब और सिमोन जेके जेलोतेस कहत रही। याकूब कर भाई यहूदा, यहूदा इस्करियोती जेहर यीशु ला पकड़वाही। धन है तुमन गरीब हवा, परमेश्वर का राज तुमन पर हवे। धन है तुमन भूखा हा, काबर कि तुमन अघाए जी हा। धन्य है तुमन रोवा था, तुमन हसिया। धन हवा तुमन जब लोग नई पतियाए और लजुआए और मोर चलते तुमन के बुरा कहें। जे घर एकस होही तुमन आनंद मनी है, काबर कि स्वर्ग में तुमन ब इनाम रखल हवे। तुमन का पुरखा मन अगमजानी मन कर संगे इसने करिन। मोर जग इतनी हवे। तोर जग इतनी है का? ये कितना दुख कर बात है कि तैं धनी हस, तुमन सुख का जीवन बिताए दारा। जो पागल हुई वही धनी बने वरनी करी। कितना दुख कर बात है कि तुमन अजय हंसत था, तुमन रोहिया और कलपिया। कितना दुख कर बात है कि लोग तुमन कर बढ़ाई करें, काबर की उमन का पुरखा मन लबरा अगम जानी मन का बारे में इसने कहीं। पर माए तुमन जग कथो, बैरी मन जग प्रेम करा, नई पतियाए उमन का भला करा। जिस राब देते ओके आशीष देवा, बुरा करोया मन ब प्रार्थना करा। तोर एक ठे गाल में थप्पड़ मारे ओके दूसर गाल भी दे दे। कोई तुमन का चद्दर ले ओके अपन अंगा लभी दे दे। कोई मंगोया ला मना मत करा। अगर कोई तोर चीज ला जबरदस्ती ले ले ओला फिर झैन मांग। तुमन वैसने करा जेकस व्यवहार तुमन दूसर जेठे चाह था। जेहर तो के माया करथे ओहिस लताए माया करथस, ता आशीष कहाँ ले मिल ही। पापी मन भी ऐसन करते, जेहर तुर भलाई करते ओकरिस ते भलाई करथस, ता तुमन काबर आशीष पैहा। पापी मन भी यही कस करते हैं। के कैसे सुई सकत है? ओ कांचा कैसे गुठका सकत है? बिसरम
नहीं, दुश्मन जग प्रेम रखा, ओमन कर भला करा, उधारी दे के पाए कर आसरा झाइन करा, तब तुमन के बड़खा इनाम मिल ही, तब तुमन सब ले बड़खा परमेश्वर का लैका हुई है। वो पापी मन कर ऊपरे भी दया करते, दयालु बना, जेकस परमेश्वर दयालु है। यीशु हमके बचा। बदनामी नहीं करी है ता तुमनों का बदनामी नहीं होही, दोष झेल लगावा ता तुमनों ऊपर भी दोष नहीं लगही, माफ करिया ता तुहु मन ला माफी मिली। प्रभु हमके अपन डगर में चला। देया ता तुहु मन ला मिल ही, जे पहला ले नाफिया वही पहला ले तुमनों बर नाफी। अंधा अंधा लटकर दिखाए नहीं सके, एकस करे ले दोनों छे गढ़वा में गिर जाही। अपन भाई कर आँख का कतरला काबर देखा थस, अपन आँख का पखना लतो देख ले। प्रभु हमके सुघर डहर देखा। प्रभु हमके तो जरूरत है। धन्य हो महतारी जेहर तो के जन्म देहिस और पोसी। लेकिन धन्य है जेमन परमेश्वर का गोठ ल सुनत हैं और मानत हैं। मैं ये आदमी ला जाने के लगाए हूँ। तुमन कर का विचार है, का वो मसीह लागे? ए धर्म गुरु हर यीशु ला अपन घरे बियारी खाए बर बलाइस। यीशु ओमन कर घरे गईस और बियारी खाए बर बैठीस। ए लइका मन ए जगले भाग जावा, तुमन नहीं सुना का? जावा, ए मन कोई घरी ढेरेज बीत बिताते हैं। ये जग का कर थे, मैं नहीं जानू। अगर ये आदमी हर अगम जानी रहती तो जान जातीस कि ये सवांगिन हर का करे रहे जहर अकेला छुआत हवे। ओहर जानतीस कि हर कैसना पाप करके जिंदगी जियत हवे। सिमोन मैं जानतो कि ये सवांगिन हर कौन लगे। मैं तुके एक ठे बात बतात हूँ। एगोट सेठ जग दुई जे कर्जा ले रहे, एक जे 500 और एक जे 50 रुपया कर्जा ले रही। दोनों जे कर्जा ला पटाए नहीं सकत रही, ओहर दोनों जे का कर्जा ला माफ कर देहिस। ओकर जग कौन ढेर माया करही? मुखे लाग थे कि जगह ढेर कर्जा माफ होइस। तैं ठीक कहे। ए सवांगिन ला देख, मैं तोर घरे आयन, तैं मुखे गोड़ धोए बर पानी नहीं दे, लेकिन ये अपन आंसू ले मोर गोड़ ला धोईस और अपन चुंदी ले पहुंचीस। तैं गला मिल के मोर स्वागत नहीं करे, जब ले मैं आए हूं तब ले ये मोर गोड़ ला चूमा थे। तैं मोर मूड में तेल नहीं लगाए, ये मोर गोड़ में सेंट ला लगाईस। मैं तोर जग कथो, इस वांगे ने ढेरे माया करीस, काबर की का ढेरे पाप क्षमा होई से। लेकिन जेके दम भर क्षमा मिलीस, ओ दम मकन प्रेम करही। तोर पाप क्षमा होईस, तो विश्वास तो के बचाए ले, शांति से जा। प्रभु यीशु जगह जगह परमेश्वर कर राज कर सुघर संदेश ला सुनावत रही। ओकर संगे 12 चेला रही और चटिक भूत निकालल सवांगिन मन भी रही। मरियम जेके मगदलनी कहत रही और यूहन्ना और सुसन्ना।
छोटे राजा हेरोदेस हर अपन भौजी जग बिहाव करे रहिस, जेकर निंदा यूहन्ना बपतिस्मा देवैया हा करे रहिस, तेकर ले ओके जेल में पूरेक देहिस। बता। जब हमरे नाइन नगर के दूरा में पहुंचे तब आदमी मन एक ठे मुर्दा लेके जात रहे। मरल आदमी हर विधवा कर बेटा रहिस, जे घरी ईसु विधवा कति देखिस तो ओकर हृदय हर दया से भर गे और वो कफन ला उघारी सब कहिस, ए लैका मैं तोर जग कहत हूँ उठ। मरल लैका हा उठ बैठिस और ईसु ओके ओकर दाई जा सौंप देहिस। ओके पूछ कहता है वही हर जेकर आय कर बारे में यहूना हर बताए रहिस, या फिर हमरे कोई आने झन कर आसरा देखी। मालिक, मालिक, यहुन्ना हर पूछे बर भेजी से कहते हैं वही हस जहर अवैया रहे या फिर हमरे कोई आने जाकर आसरा देखी। जे जाए तुम्हें देखा हो सुना जाके उन्होंने बतावा। अंधा मन देखा थे, लंगड़ा मन रेगा थे, धन्य है जे मन विश्वास करते हैं। हाँ मोर खान में भाई अब का तो बढ़िया ले दिखा थे। हाँ मैं यीशु ला देखा था। एक किसान बिहन बुने निकलीस और बुनत घरी चटिक बिहन डगर कर कगरे गिरीस और ओला कुइस दारी और चरई मन बीन खाई। चटिक पकनोरिया भूई में गिरीस जे घरी सब गाछी मन जामीन और पानी नहीं पाइन तेकर मर गई और चटिक बिहन रे भुंदरा कर मझारे गिरीस। भुंदरा हा संगे संगे बाड़ीस और ओला ठेल दहीस। चटिक बिहान बहरा खेत में गिरीस और जम गाछी हा बाड़ के फर लानीस सौ खाड़ी मिलीस। मालिक जे घरी भीड़ जुट थे ते घनी ते कहनी कस काबर कथस। परमेश्वर के राज का गहल ज्ञान तुमन ला देहल गल है, आउ जे मन ला कहनी में बताल जाते काबर की ओमन देख के भी नहीं देख पाए और सुइन के भी नहीं समझे। एक कहानी का मतलब एकस हवे बिहन परमेश्वर कर वचन लागे, डगर कर कगरे गिरल वचन ओमन लागे जेवन वचन ल सुनथे। लेकिन शैतान आए के ओमन कर मन ले वचन ल चुराए लेथे कि ओमन विश्वास करके उद्धार झाइन पाए। पखनोरिया भुइया में गिरल वचन ओमल लागे जेवन वचन ल सुन के खुशी से मान लेते हैं लेकिन जैर नहीं धरे। ओमन चटिक घरी ले विश्वास करते हैं और परीक्षा आते त विश्वास करे बर छोड़ देते हैं। भुंदरा में गिरल बिहन ओमल लागे जेवन वचन ल सुनते हैं लेकिन जिंदगी कर चिंता धन मोह और भोग विलास में फंस जाते हैं। ओमन कर फसल कबहो नहीं पाके। ओ बिहन जेहर भरा खेत में गिरीस ओमन लागे जीवन वचन ला सुनते और सुरता करते और मानते जब ले सुगर फल्लान थे। मसाल ला जलाए के कोई बर्तन में नहीं ढाके और न खटिया का तरी रखते लेकिन ओला खूटी में राखते ताकि भीतर अवैया मन ला इंजोर दिखे। जेहर लुकाई से ओला बाहर कति लान ही और जेहर ढाकल है ओला इंजोर में लान ही। एकर ले ध्यान से सुनिया जेहर जान थे और आउ ढेर जान ही। जेहर कहीं नहीं जाने ओकर सब ज्ञान ला ले ले हल जाही। गुरुजी तोर दाई और भाई मन बाहरे ठोड़ोइन है तोर जग भेटाए बर करत है। जेहर परमेश्वर का वचन सुनते वही मोर दाई और भाई मन लागे और मानते। ए
एक दिन यीशु अपन चेला मन कर संगे एगो डोंगा में बैठिस और ओमन ला कहिस आवा हमरे झील कर ओ पार चली। डोंगा हर चलत रहिस और यीशु हर सुत गईस। मोर ऊपर भरोसा काबर नहीं रख। अब वो मन झील कर ओ पार ग्रासेनियों कर देश में पहुंची। यीशु सबले बड़का परमेश्वर कर बेटा, तै मोर जगह चाहता। मैं तोर पाँ परत हूँ, मुके दुख जैन दे। नाव का है तो बगरा प्रभु हमरे हाथ जोड़ा थी, हमके कीरा गाड़ में छैन भेज। लेकिन बड़ा मन कर भीड़ में भेज दे। और भूत मन ओमे ले निकल के बरहा में समाये गए। फिर आवा हमर सिवान ले तो हट जा। ए टोना भाग, यहाँ ले दुरिया भाग जा, हमके छोड़ दे, यहाँ ले हालू भाग। ताई जिहा जाबे वहां महु जाहूं, मो के तोर संगे जाए दे। ते घरे फिर जा, परमेश्वर जिला करी सोला बता। यीशु और ओकर चेला मन भीड़ ले अलगे होए बर बैतसैदा पहुंचीन। तब भीड़ लेकर पता चल गई तब मन प्रभु कर पाछू होए रही। सांजुआर पत्रस हर गोठियाईस। मालिक,
ये लोग मल्ला भेज दे कि उमन ठावे ठावे कर गांव और बस्ती में जाए के अपन भर खाएब और रहे का जगह खोज सकें, काबर की ये जगह सुनसान हवे। तू ही मन मन पर खाए पर जुटावा। लेकिन हमर जग खाली 5 ठे रोटी और 2 ठे मछली है। धन्य है प्रभु परमेश्वर दुनिया कर मालिक जेहर धरती में अन्न उपजात हस। विश्वास नहीं हुआ तो लोग मन मोके का बुलाते हैं। कोई मन तो के यहुन्ना बपतिस्मा देवैया बुलाते हैं और कोई कोई तो के एलिया बुलाते हैं और कोई कहते कि पुराना गमजानी हर फिर ले जी उठी से। तुमन का बला था, तुमन बताओ मैं कौन लागू। तय परमेश्वर का मसीहा लागस। तैयार बात लगा करोठी झाइन कहबे मुके दू कुठाइक पर ही और मोके ले नई पतिया ही और जान से मायरदार ही। लेकिन तीसरे दिन मैं मरल मिले जी उठूं। आशमाई में सप्रीम क्वोडे Massa magira kia Yom le yom ya pia Velaila laila ya khaveda Ka tuman mor sange aiha मालिक मैं तोर संगे जाहूं लेकिन आगू मैं घरे जाए के मैं घरदार मन थे विदा ले। जे नागर जोते घरी पाछू कतिला देखते वह परमेश्वर का राज का लायक नहीं है। जे मोर संगे चले बा करत है वो अपन डहर ला छोड़ के मोर डगर में होइले। जेबन अपन प्राण ला बचाए बर कर ही वो ला गवाही। जो कोई अपन प्राण ला सौंप ही वो हर बचाही। अगर आदमी सब संसार ल पाए के अपन जान ल गवाए देही तो ओके का फायदा होही। जे कोई मोर और मोर बात ले ल जाते मैं अपन दाऊ और स्वर्गदूत मन कर महिमा संगे आहूं तो वो आदमी मन जग ल जाहूं। मैं सच कहत हूं इजक चटी यहू कस आदमी हवे जीवन परमेश्वर का राज ले देख नहीं लेही तब ले नहीं मरही। तब यीशु यूहन्ना पतरस और याकूब कर संगे पहाड़ में प्रार्थना करे गईं।
प्रार्थना करे घनी ओकर चेहरा कर रूप हर बदल गईस आ ओकर ओढ़ना हर उजर चमके लागिस। एकेच दार स्वर्ग कर महिमा ले मूसा वेलिया ओकर जग उठियाए लागिन। तय परमेश्वर के योजना ला पूरा करबे, तय यरूशलेम में मरबे। मूसा आउ एलिया कर जाए घनी पतरस यीशु जग कहिस, मालिक ये केतरा सुघर हवे कि ये जग हमरे हवन, हमरे तीन ठे झाला बनाई, एगो तोर ब पतरस एकस कहत रहिस, एगो मूसा ब कि एगो बदरी हर आए के ओमन ला ढाँक ले, आउ एलिया ब अब चेला मन डराए गे, अब बदरी मेले आवाज आईस कि ये मोर बेटा लागी जेला मैं पसंद करे हूँ, तुमन एकर सुना। गुरुजी, दया करके मोर बेटा ला देख ले, मोर बेटा का मदद कर, मोर किस्ते लेके आवे, मैं तो चेला मन जब भूत निकाले हो पिंती करें, लेकिन अपन निकाले नहीं सकी। ए जिधा लोग मन, मैं कितेक दिन तक तुमन कर संगे रहूं और तुमन कर सहूं, तोर बेटा ले जग लान। ये पूरा ठीक होएगी, ये ढेर सुघर होएगी। हमके प्रार्थना करे बर सिखा, जेका से हुन्ना अपन चेला मन ला सिखाइस। तुमन एकस प्रार्थना करा, हे हमर दाऊ जे स्वर्ग में हवस, तोर नाव पवित्र हवे, तोर राज आवे, तोर इच्छा धरती में भी पूरा होए, हमके रोज दिन कर खाना दे, हमर पाप ला क्षमा कर, जेकस हमरे अपन विरोधी मन ला क्षमा करे हवन, हमके पाप करे झाइन दे, लेकिन बुराई ले बचा। मांगिया त तुमन के मिल ही, खोजिया त पाई हा, ठोकिया त तुमन बर दूरा हा उघर जाही, काबर की जिहा मांग थे ओके मिल थे, और जे खोज थे ओ पा थे, और जे ठोक थे ओकर बर दूरा हर उघर जाते। तुमन में एक कस दाव कौन हुई जे अपन लईका ला मछरी मांगे ले सांप देही, अंडा मांगे ले बिच्छी देही, तुमन बुरा होए के अपन लईका मन ला अच्छा चीज दे जान था। स्वर्ग का दाऊ अपन मंगोइया मन ला
पवित्र आत्मा काबर नहीं देही। माय कथो अपन जीवन के चिंता झैन करा कि तुमन का खइहा, कि देह में तुमन का पहिरिया, काबर की खाना और ओढ़ना जिंदगी कर बड़खा बात नहीं है। चरई मन कर ऊपर अपन सुरता करा, ना ओमन बूंद थे ना काट थे और ना ओमन कर कोई कुटला हवे, तबो ले परमेश्वर ओमन ला खवा थे। तुमन तो चराई मन ले ढेरे कीमती हवा। तुमन मन ले कौन है चिंता करके, आओ ढेरे साल जी सकत है। जब तुमन दम भर काम ल करे नहीं सका तब तुमन आओ चिंता काबर करता। ये फूल मन ल देखा, ये मन कैसे बाढ़ थे, ओमन कहीं जात काम नहीं करें। बढ़िया ले बढ़िया राजा हर एमे ले एको झेन का सुघर ओढ़ना नहीं पहरे रहिस। अगर परमेश्वर मैदान कर घास लौढ़ा थे जहराए जह काय लागी में लेस देही, तो जरूर तोहू के ओहर ओढ़ना पैरा है। मोरू पर भरोसा करा, हमर विश्वास ला बढ़ा। अगर तुमन का विश्वास राई कर दाना का छोटे है तो ये रूख ला कहता जड़ से उखड़ के समुद्र में चल जा, तो ओ तोर गोट ला मायन लेती। परीक्षा जरूर आही, लेकिन जिहर ओला लांत थे ओकर बर केतेक दुख कर बात है। ओकर पीठ में पथरा लबायन के ओके समुद्र में ढकेल देती। परमेश्वर का राज्य कौन कस हवे, ओहर एकस हवे। एक माइन से सरसों का दाना ला लेकर अपन खेत में बुनिस और वो गाछी हा बाढ़ के रूख बन जाते और चरई मन ओकर डायर में खोता बनाते। मैं नहीं जानो कि ये का कहा थे। ता चंदा ले है दान और दूसर पापी मन जग का बर खासा स्पीथर। बढ़िया लोग मन ला डॉक्टर का जरूरत नहीं है, लेकिन बीमारियां मन ला हवे। मैं पापी मन ला मन फिराए का संदेश सुनाए बर आए हूँ, इज्जतदार मन ला नहीं। हमके राज्य कर बारे में बता का और कही हवे। ए मोर लोग मन झैन डरावा, स्वर्ग कर दाऊ कर इच्छा हवे कि तुमन ल राज दे, अपन सब जात ल बेच के गरीब में बांट दिया और ऐसा झोला बनावा जेहर कभो नहीं फाटे। स्वर्ग में धन जुटावा जिहा ओहर नहीं सिराए, काबर की वहाँ कोई चोर नहीं पहुँचे, न तो ओला कीड़ा खाए सकते। जिहा तुमन कर धन रही वहाँ तुमन कर मन हर भी लगे रही। हे दाई, ताय तुर बीमारी ले नकदाए गए। आवा आवा देख ले आ, ये तो चंगा हो गई, ये तो चमत्कार हो गई। आवा देख ले आ, ये तो बढ़िया हो गई। परमेश्वर धन्यवाद हो। 18 बच्चर परमेश्वर तो के सुखी रखे। हफ्ता में हमरे 6 दिन काम कर सका था, तुमन चंगाई पाए पर कोनो दिन आ सका था, लेकिन विषय कर दिन नहीं। अरे झूठा मन, तुमन विषय कर दिन अपन गाय गरु मन ल ढील के पानी पियाए पर नहीं ले जावा का। और ए जग कदाई हर अब्राहम का वंश का लागे जेर 18 बच्चर ले शैतान कर बंधन में रही। ये ठीक नहीं है का कि बिसोए कदी ने कर बंधन ला मैं छोड़ाए।
ए बढ़िया गुरुजी, मैं हमेशा का जिंदगी पाए पर का करूं? ताय मोके बढ़िया काबर कथस, परमेश्वर के सिवाय बढ़िया कोई नहीं है। ताय तो आज्ञा मल्ल जान थस, वे विचार झिन करिया, हत्या झिन करबे और ककरो पर झूठा गवाही झिन देबे और अपन दाई दाऊ कर इज्जत करबे। लेकिन ये सब आज्ञा ला मैं नानेज बढ़ले मानता हूँ। तो की अजर एक ठे और काम करे पर हवे, अपन जम जायत ला बेच के गरीब मन में बांट दे, तब तो के सरग में धन मिल ही, फिर मोर संगे हो ले। लेकिन हम रे ढेर धनमान हमन, हमार जग ढेर धन हवे। धनमान मन ला परमेश्वर के राज में हल्के पर ढेरे कठिन हवे, ऊट ला सुई के छेद में घुसरे पर सरल है और धनमान मन ला राज में जाए पर ढेरे कठिन हवे। तो फिर कौन उधार पाए सकत है? जिला आदमी करे नहीं सके वाला परमेश्वर कर सकत है। सहीच में परमेश्वर का राज कब आही? परमेश्वर का राज प्रकट रूप में नहीं आही, कोई एकस नहीं कह सके कि देखा यह रे जग है या ओ जग है, काबर की परमेश्वर का राज तुमन में है। वो दिन आही जे दिन तुमन मोके देखे बर करिया, लेकिन देखे नहीं पैहा। जे कस बिजली बदरी में एक कोन्हा ले दूसर कोन्हा तक चमक थे, वही कस तुमन मुके देखिया जे घनी मैं आहूँ। लेकिन ओकर आगू मुके ढेरे दुख उठाए पर ही और ए पीढ़ी का लोग मन ओके नहीं पतिया ही। तुमन कर आय कर धन्य हवे, काबर की तुमन मुके देखा था ढेरे अकन अगम जानी और राजा मन, जला तुमन देखा था ओला देखे नहीं पाइन। हमरे का करी? वचन हर का कथे, एकर का मतलब हवे? तुमन अपन परमेश्वर ला अपन पूरा दिल से, अपन सब जीव ले, अपन पूरा बल से, पूरेच मल ले माया करा और पड़ोसी ला अपने कस माया करा। ते ठीक कहे, बढ़िया जिये बर यही कस करिया। मोर पड़ोसी कौन लागे? ओ सिपाही तो नहीं का बड़खा राजा होही? एक दार एगोट आदमी है यरूशलेम ले यरीहो कति जात रहीस, त चोरहा मनो के मारिन और लूट क्यों के अदमरहा छोड़ के चल देहिन। एक ठे धर्म गुरु होही कति ले आईस और ओके देख के अनदेखा कर के चल देहिस। वही कसोठे एक ठे पुजारी हर आईस, ओहू हर देख कर अपन मुँह ला दूसर कति कर के चल देहिस। लेकिन एगोट अछूता आदमी वही डगर में जात रहिस, ओ मारखल आदमी ले देख के ओकर दिल हर दया ले भर गिस। ओहर अदमरहा जग जाए के ओकर घाव ले धोईस, फेर ओके अपन घोड़ा में बैठाए के धर्मशाला में ले गईस जिहाँ ओकर सेवा करिस। दूसर दिन धर्मशाला कर मालिक ल दुई ठे चांदी कर पैसा दे के कहिस कि ताय एकर देख रेख करबे और तोर जितना खर्चा होय रही ओला मैं फिर क्या हूँ तो के दे देहूँ। तीनों में ले कौन चोर मन कर द्वारा लूटल आदमी का बढ़िया पड़ोसी बनीस? जे ओकर ऊपर दया करी फिर तुहु मन ही कस करा? आह लैका मल्ला मना मत करा, मोर जग आए दा काबर की परमेश्वर का राज ऐसने मन कर हवे। मैं तुमन जग सच कहत हूँ, जे कोई परमेश्वर का राज लाए लैका कस ग्रहण नहीं करही वो ओमे कबहो जाए नहीं सकी। जे कोई मोर नाव में लैका कर स्वागत करते वो मोर करते और जे मोके स्वीकार करते वो मोर भुजैया कर करते। तुमन में सबले छोटे है वो हर सबले महान है। कौन जाते? नसरत के इसु डगर ले रेंगत जात। यीशु
प्रभु यीशु, ए दाऊद कर संतान, मोर पर दया कर। मैं तोर पर का करूं? मैं देखे पर करत हूं। ता देख, तोर विश्वास तो के चंगा करीस। मैं देखे लागत हूं, मोके दिखा थे, मोके दिखा थे। यीशु, यरूशलेम जाए घनी सबे जगह में यीशु ला ढेरे बड़खा भीड़ मिलीस। लोग मन ओकर जग उधार कर डगर और परमेश्वर कर राज कर बारे में जाने बर करत रहिन। ए आदमी हर अगम जानी लागे, मालिक मोर प्रभु मोके बचा। हे प्रभु हमके बचा, हमके बचा। प्रभु करी स्तुति हो। प्रभु हमका सही डगर दिखा। यीशु ला लोग मन अपन प्रभु और मालिक माने लागिन। इरोहो नगर कर चंदा लेहेदार आदमी हर यीशु ला देखे बर रुक में चढ़ गईस। चंदा लेहेदार है जग कई रुक ले हालू उतर, काबर की आज मके तोर घरे जाए बर है। मोर घर ओकर घरे कौन जाए? जकई यीशु ला कैसे जानते? सुना, मैं अपन धन का आधा हिस्सा गरीब मन ला देहत हूँ। अगर मैं कोई के ठगे हूँ तो मैं ओके चार गुना फिराए दे हूँ। मौके विश्वास नहीं हो आते कि चंदा लेहदार है पैसा ला फिराए दे। आज घर में उधार आई सब है, काबर की यहू आदमी हर इब्राहिम कर वंश कर लागे। मैं भुलाल मन ला खोजे और मन के बचाए बर आए हूँ। सुना, हमरे यरूशलेम जाबो, जेला अगम जानी मन मोर बारे में कहे रहिन ओ सब हर पूरा होही। मोके दूसर लोग मन कर हाथ में पकड़वाए देही, ओ मन मजाक उड़ाही, मोके नहीं पतियाही और मोर ऊपर थूकही, कोड़ा लगाही और मायदार ही। लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठूं। और यीशु सहीच में जानत रहिस कि ओके मनसे जायत मन कर पाप बर जान देख पर ही, तबो ले ओ यरूशलेम कति गईस। ढेरेच लोग मन ओकर आय में खुश होए कि ओके राजा राजा कहे लागिन। मैं कहा तू अगर मन चुप रही तो खुद बखना मन की लाई उठी।
ईसु यरूशलेम कर ठावे पहुंचीस ता उहां ला देख के रोए दारीस। मैं कहत हूँ मैं शांति ले लेके आए लेकिन ओला तुमन नहीं पाए सका। एक दिन ऐसा नहीं जे घरी तोर बैरी तो के चारों कत्ती ले छेक लेही और तो के मार ही यही हत्ता कर मझारे तो के मार मरवाही। तो के और तुमन का लैका मन ला मैं तुमन ला बचाए बर आए लेकिन तुमन मोके नहीं चिन्हा एकर ले ओमन तुमन के पूरा तरह ले नाश कर दे। यरूशलेम का परमेश्वर कर मंदिर हर आराधना कर जगह रही लेकिन ओला बाजार कस बनाए दे रही। घर हो ही लेकिन ओला तुमन चोर मन का लुकाए का जगह बना दे। ओ मरमारी वाला केला दे ओके रोका ओके ला रोका। चौकीदार मैया बनावा आलू बनावा। चटिक नेता और धर्म गुरु मन में प्रभु यीशु बरिक विरोध शुरू हो लागिस काबर की लोग मनो के राजा मानत रही। मैं तो सुने हूँ कि ढेरे झमनो के अपन राजा मान लेहिन है। राजा भिखारी बेसिया और चोर मन कर राजा हमारे घर जैसे आदमी देखे न लोग मान ओ मान के भुलाए गए। मुर्ख झीन बना ओकर चेला मन रोज बढ़ते जाते हैं ओकर बड़ाई करत हैं और सोचते कि वो राजा है। ठीक से सुना अगर ये आदमी हर और परेशान कर ही था तो ओकर जिम्मेदार तुमन हो या। ये सही कहा थे हमन के आदमी ला रोके पर ही। यीशु धर्म गुरु मन कर विरोध में गोठियात रही काबर की वो मन वचन सिखात रही लेकिन वो में नहीं चलत रही। यीशु मंदिर में एगोट गरीब विधवाला दुई ठे सिक्का डालत देखिस। ए हर ढेरे दामा कन है का ता ढेर दे नहीं सकस। मैं कथो ए गरीब विधवा सब ले ढेर दान देही से कावर की दूसर झेमन अपन ढेरच कमाई ले देहिन है लेकिन ए विधवा हर गरीब होए के भी अपन सबेच कमाई ले दे देहिस। हमके बता ए बात ला कहे बर तोके कौन अधिकार दीस तो क्या अधिकार कौन दीस। मैं तो ठे एक सवाल पूछत हूँ यहुन्ना ला अधिकार परमेश्वर कतिले मिले रहीस कि आदमी कतिले। हमरे का उतर दे परमेश्वर कतिले कहा कहता वो तुमन के कही यहुन्ना कर विश्वास काबर नहीं करा और आदमी कतिले कहा ता भीड़ हमके पथरा मारी काबर की यहुन्ना ला जमझमन आगम जानी मानते। हमरे नहीं जानी कि अधिकार कहाँ ले मिली। महू तुम नहीं बताऊं कि ये सब काकर अधिकार ले करत हूँ। एक दर एगो आदमी अंगूर कर खेती करीस ओला अधिया में देख के नगदे दिन पर कहो ले चैल दहीस जे घर अंगूर ला लोरे का दिन आईस तो ओहर अपन एक ठे हरवाह ला भेजीस
कि फसल में ओकर बांटा मिले, लेकिन अधियादार मन के मार के दुच्छा भगाए देहीन, तेकर ओहर दूसर हरवाला भेजिस और अधियादार मनहू के मारिन ओ करिजत नहीं करिन और दुच्छा हाथ के भगाए देहीन, तेकर ओहर तीसर हरवाला भेजिस लेकिन अधियादार मन ओहू के मार के बारी ले बाहर भगाए देही। त अंगूर कर बारी का मालिक ह सोचिस कि अब मैं का करूँ, अब मैं अपन दुलरुआ बेटा ल भेजूँ और जरूर ओमन ओकर आदर करही, लेकिन अधियादार मनो के आवत देख के अपन मन में कहिन ये तो मालिक कर बेटा हवे, ओके मायरदारी ते धन हमर हो जाही। हम के लाओ बता ओमनो के बारी ले बाहरे निकाल देहिन और मायरदारी और मालिक का अधियादार मन कर संगे का करही, वो आए के ओमन के मार ही और अंगूर का बारी ला दूसर के दे देही। ते वचन कर का मतलब हवे, जे पखनाला राज मिस्त्री मन फालतू जान के फेंक देहीन वही पखना सबले बढ़िया बन गई, जे कोई पखना में गिर ही वह टूट के राई राई हो जाही, और ये पखना है जेकर ऊपरे गिर ही तो ओला पीस के रख देही। गुरु हमन जान थन कि जरा त सिखात हस ओहर सही हवे, हमरे जान थन कि तय कोई कोई नहीं डरावस, लेकिन सब झेला परमेश्वर का सच्चाई ला सिखात हस। बता रोम कर बड़खा राजा ला हमरे चंदा दे थी ओहर कानून के अनुसार हवे कि नहीं है? प्रभु होशियार रवे, ओ तो के फसाए बर करत है। मोके एक चांदी का सिक्का दिया, एमे का कर फोटो और नाव हवे, तजिया बड़खा राजा कर हवे वो सब बड़खा राजा ला दिया, जे परमेश्वर कर हवे ओला परमेश्वर ला दिया। बतावा तुमने बात में का कहा था? तेकर बड़खा तिहार हर ठावे आई, और यीशु हर सिमोन पतरस और यूहन्ना ला तिहार कर भोजन तैयार करे बर आगु भेज देहिस। मैं चाहत हूँ कि दुख उठाए कर आगू तिहार कर भोजन ल तुमन संगे करूँ। मैं तुमन जग कहत हूँ परमेश्वर का राज में जब ले एकर मतलब पूरा नहीं होही तब ले मैं ल नहीं खाऊं। धन्य हस्त हैं प्रभु परमेश्वर दुनिया कर मालिक, जहर अंगूर कर नायर में फल लान थे। एला ले आओ तुमन बांट ला, जब ले परमेश्वर का राज्य नहीं आ जाही मैं अंगूर का रस ला नहीं पियूं। धन हस्त हैं प्रभु परमेश्वर दुनिया कर मालिक, जे हर धरती में अन्न उपजात हस। ये हमर देह लागे जिला में तुमन के देहत हूं, ये लखाए घरी मुके याद करिए। ये अंगूर का रस मोर लहू कर नावा जबान है जिला मैं तुमन पर बहाए जात हूं। देखा मोर पकड़वाएदार मोर संग यही जग हवे, मैं तो जरूर मर हूं जिकस परमेश्वर ठहराई से। कितना दुख कर बात है जेहर मुके पकड़वा नहीं हो सकत है, ए हो ये नहीं सकत है। ओ कौन लागे ओकर जग पूछ किए धोखेबाज कौन हो? Thank you.
तुमन में जे बड़का है ओके सबले छोटे बनेक चाही और अगुवाला सेवक कस बनेक चाही। बड़का कौन हवे? ओ जेहर खाए बर बैठी सवे कि वो जेहर सेवा करत है? हाँ वही जेहर खाए बर बैठी सवे, लेकिन माए तुमन कर मझारे सेवक कस रहें। मोर सब संकट विपत्ति में तुन मोके नहीं छोड़ा और जे कस मोर दाऊ मोके राज करे बर अधिकार दे रहीस, ये अधिकार ल मैं तुमन ल देहत हूं। तुमन मोर राज में मोर संगे भोजन करिया और तुमन मोर संगे इजराइल कर 12 गोती कर ऊपरे राज करिया। तब तो कोई धोखादार नहीं रही। सिमोन सिमोन सुन, शैतान तुमन ल पाप करवाए बर करत है और अलग कर ही जेकस किसान धान ले बदरा ला अलगे करते। लेकिन मैं प्रार्थना करे हूं कि तुमन कर विश्वास और झैन डोले और जे घरी तुमन मोर कति फिर या अपन भाई मल्ल हिम्मत दिया। प्रभु मैं तोर संगे जेल में भी जाएब और मरे ब भी तैयार। मैं कहत हूँ पतरस, आज मुर्गा बासे कर आगो ते तीन दार कभी की मोकेले नहीं जानो। मैं तुमन के बिना पैसा झोला और जूता कर भेजें ते कहीं घटी होइस? नहीं कहीं कमी नहीं होइस। जेकर जग पैसा और झोला है उला ले ले और जेकर जग तलवार नहीं है वो अपन नोना ला बेच के गोट ले ले। मैं कहत हूँ वचन में लिखल हवे वो पापी मन संगे गिना ही और मोर बारे में लिखल सब भर पूरा होवत है। देखा प्रभु ये जग दुईठे चक्कू है। बस होएगी। प्रभु यीशु जगले छुटकारा पाए बर धर्म गुरु मन एक जग बैठ के विचार करी। शैतान यहूदा इसक्रोति में समाये गईस जेहर 12 चेला मिले एक जे रहीस। वो धार्मिक गुरु मन जग मिल के यीशु ला पकड़वाए कर सलाव करीस। यीशु हर प्रार्थना करे बर यरूशलेम ले पहाड़ में गईस। प्रार्थना करा कि तुमन परीक्षा में झाइन पड़ा। यहूदा इसक्रोति तिष्ठ चांदी कर सिक्का पर प्रभु यीशु मसीह ला धोखा देही। यीशु जानत रहिस कि ओके मनसे जाति कर पाप पर जान देह कर समय आए गई सवे आउ वो प्रार्थना करिस। हे दाऊ अगर ते चाहबे तो ये दुख ला मोर चकले हटाए दे, तब बोले मोर नहीं तोर मर्जी पूरा हो। आओ यीशु ला बल देहे बर एक ठे स्वर्ग दूत हर प्रगट होइस। आओ ओकर पसीना हर खून कर बूंद कस गिरे लागिस। तुमन काबर सूता था? तुमन उठा, प्रार्थना करा कि तुमन परीक्षा में झाइन पड़ा।
यहूदा, का तय चुईम के मौके धरवात हस? प्रभु काय के चक्कू में मार दे। चला एक धैर्य ला। बस एक झेन करा। ऐ चमत्कार होगी। मोके चोर जान के तुमन तलवार और लाठी लेके आए हा। मैं रोज दिन मंदिर में तुमन का संगे रहें, तबोले तुमन मोके नहीं धरा। ये तुमन का काम करे का घरी है, काबर की ये घनी सैतान का राज हवे। एक धर लिया। के देखत रही है ता सिपाही मन धर के ओके अंगन में ले आनी और यहूदी मन कर राजा कही के ओकर मजाक उड़ाए लगे। ये राजा कर उड़ाला तो देखा। बता अब का होई। कताय हम के बचावे हे राजा, कताय हम के बचावे। यहो आदमी है इसुके संगे रही। बहिन होके तो मैं जान भी नहीं करूं। मैं दूरों चला संगे देखे हूं। हमरे तो तोर सेवा खबर। धैर्य बड़खा बनत रहे, अब कैसे लागत है? ताहू तो अमन लेख जे हस। वो मैं ना हूं। यहू आदमी यीशु का संगे रही, इमें कहीं शंका नहीं है। काबर की यहू तो गलील का लागे। अरे हो ही का जानी तुमन काके लग उठिया था। यीशु किंदर के सोज पतरस ला देखिस। ते घड़ी पतरस ला यीशु करो कहल गोट कर सुरता आईस। आज मुर्गा बासे कर आगू तय तीन दायर कबे की मोकेला नहीं जानो। प्रभु जी मैं तू के कहे रहे कि मैं तोर संगे रहूं, लेकिन मैं तो के इनकार करके छोड़ दे। प्रभु जे घरी हमर पुरखा मन विरोध करें ते घनी तय मन के क्षमा करे। तो बोले उमन कर नाश नहीं करे लेकिन बचाए ले हे। ताय अपन प्रेम जबान और दया कर चलते। ताय उमन के माफ कर दे। पता तो के कौन मार अगम बाणी कर अजय तो के कौन मार ही। रुक जावा, ये का जहन करा, ये के दरबार में लेके आवा। चल इसु जग पूछे जाने पर धर्म गुरु मन एक दरबार जुटाई।
हमके बता का तें मसी लागस। अगर मैं बताहूं तब बोले तुमन विश्वास नहीं करिया, अगर मैं सवाल पूछूं तो तुमन उत्तर दे नहीं सकिया। लेकिन अब ले मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जौनी कति बैठूं तो का तें परमेश्वर का बेटा लागत। तुमन कहा था मैं हूं। कौन एक कस कहे कर अधिकार दे इसे? ये दोषी हैं। हमरे खुद अपन कान ले सुने यार का कहिस। हमरे के पिलातुस जग ले जाब। हाँ हाँ एक ले चला। चल। अब यीशु ला कसरिया रोमी मंत्री पिलातुस जग ले गई जेहर हजारों झेला क्रूस में ठोकवाए रहीस। इतना बिहाने बिहाने तुमन मोर जग का करे आए हा? हमरे एके लोग मल्ला बहकावत पकड़े ही यहर मंदिर कर बाजार में खल भली बचा दे रही। एकेला में का सजा दो? एके दंड दिया। मैं आदमी में दंड दे लाकर कहीं गलती नहीं पाऊं। हमरे अकेला गुनाह करत पकड़े हवन। ये कथे की बड़खा राजा ला चंदा मत दिया और कथे की मैं मसीह लागो और राजा भी। राजा का ता यहूदी मन कर राजा हाथ तै खुद कहा था। यह सब जात ला गलील में शुरू करे रहीस अब एहू कति आएगीस? गलील में काए गलील कर लागे? एक कसैता एक छोटे राजा हेरोदेस जग ले जावा ओ अझेले यरूशलेम में हये है ना एक ओकर जग ले जावा। तैं अपन बारे में का कथस? ओमन कौन लागे जेमन लाता है अपन चेला कथस? मैं ढेर जन से सुने हूं कि तैं चमत्कार भी करथस। तो मोरोबर कहीं जात कर? ए राजा ये सब आदमी मतलब बहकावत है और अपने आपला राजा कथे। ये आदमी राजा? ये मुर राजा अकेला जोर से हुरेठा। जाके पिलातु जी फेर ले जा यार ओकरे अधिकार में हवे। ये आदमी हर जान से मारे लायक कहीं गुना नहीं करी से। ता मैं अके कोड़ा मरुआ के छोड़ देहा था
तिहार घरी हमर बर एक थे कैदी ला छोड़े कर हमर चलन हवे। हमर बर छोड़ दे बरब्बा ला। हाँ ठीक है। और अकेला मरवा दे बरब्बा ला छोड़ दे। अकेला कुरुस में ठोका। ताए, हाँ ताए, अकेला कोड़ा मारा। लातू, ते ताके उग्र था। ये एक सुलागे। ओमन जोर जोर से किरलात रहीन यीशुला क्रूस में ठोका ता पिलातुस हर यीशुला क्रूस में ठोके कर सजा दिहिस। जे बरब्बा हर जान मारे रहिस और लूटपाट करे रहिस ओके यीशु कर पलटा में जेहल ले छोड़ देहिन और यीशुला क्रूस में ठोके बर ओमन के दे देहिन। फिर जा बताले तिरहर छोड़ा भागा जाए बच्चे का दिया बेटा कर ले भाग जावा उठ जावा उठ उठ जा। ए तोर का नाम है? साहब मोर नाम सिमोन लागे। तो इते आओ गोरा मन काट दिया। ताई एला दो आगु जा हट पाछु गति घुट ओके छोड़ चला गुरे पाछु घुट एला पीले प्रभु जी हमरे तोर पर रोवा थी पीले प्रभु। ए यरूशलेम कर दाई मन मोर बर नहीं तुमन अपन और अपन लइका मन बरवा जब ए लोग मन मोर जगह कस व्यवहार करत हैं तो तुम संग अब का नहीं करी। हमरे तौर पर प्रार्थना करब चला चलते रहा रहते रहा हलो हेलो अजय ताई जा हेलो रे अकबर अकबर हेलो चल चले चल अबे रे हेलो हेलो
अपन काम ला करते रहा। यह दावे मन ला क्षमा कर, खबर के मन नहीं जानते कि का करत हैं। आने जन्म ला बचाई, अब अपने आप ला बचाए। अगर तो मसीहा तो अपन आप ला बचा ले और क्रूस में ले उतर के आ जा। हमके अपन सामर्थ्य देखा। यीशु ला क्रूस में दुई ठे चोर मन कर मझारे ठोक देही। यही कस अगम जानी मन ढेरे बच्छर कर आगु जे बात मन ला कहे रही ओहर पूरा होइस। ए ओढ़ना कोई फालतू आदमी का ना लगे। ए ला रह दा, ला मत चीरा, मैं बताऊं के ला का करे बर हवे। चला चिट्ठी डाली। तो के मिलगी जाए कर का करबे। ओकर मुड़ कर ऊपरे क्रूस में एक ठे पुठा ला ठोकिन जे में लिखल रहिस कि ए यहूदी मन कर राजा लागे। अगर ता यहूदी मन का राजा हस्त अपने आप ले बचा ले। परमेश्वर नहीं डरावस, वो खेला वही दंड मिला थे
जहर हमके मिले से, लेकिन हो तो काहीच गुना नहीं करी से। मोर सुरता कर बे ईसु जी, जे घरी तय राजा के रूप में आबे। मैं जे बहन देहत हूँ, आज ते मोर संगे आनंद कर जगह में होबे। ता जुआरहा कर जुआर रहीस और 3 घंटा ले जमो देश में अंधार रहीस। और परमेश्वर का मंदिर कर पर्दा हर 2 टुकड़ा में चिराए गई। हे दाऊ, तोर हाथ में मुराद माला सोपत हो। दरोगा हर इला देख के परमेश्वर कर बड़ाई करीस और कहीस, परमेश्वर कर महिमा हो, सही में हर एक धर्मी आदमी रहीस। धार्मिक सभा करे गोट धर्मी सदस्य यीशु के काम ले राजी नहीं रहीस। वो जाए के पिलातुस जग पूछिस कि यीशु कर लाश ला बिसोए कर दिन ले आगू मरघटिया में राख सकी। हमरे यीशु को देह में लगाएबो, बढ़िया सेंट ललानबो। मैं मदद करूं, हालू करा, विषय का दिन आप शुरू है पर हवे। अतवार दिन कर बिहाने सवांगिन मन बढ़िया सेंट ला बनाए की मरघटिया में आई। ओमन मरघटिया जग गईन ता पथरा ला ढलगाल पाइन, और जे घनी ओमन मरघटिया कर भित्री गईन ता प्रभु यीशु कर लाश अरोजग नहीं रहीस। तुमन जिंदा ला मरल में काबर खोजे था, वो ए जग नहीं है,
वो जी उठिस हवे, तुमन के सुरता होई गलील में वो का कहे रहिस, मैं पापी मन का हाथ में धरवाए जाहूं और मोके क्रूस में ठोक देही और तीसर दिन में मैं जी के उठ जाहूं। सुना, मर घटिया का पकना हर ढलगाल रहिस, हमरे भीतरे गए, लेकिन हमर प्रभु का लाश उजा नहीं है। का? उजा प्रभु का लाश नहीं है? दूधे आदमी प्रकट हुई, बेर का चमकत, सरक दूध, और हमर जग कहिस, तुमन जियत ला मरण में काबर खोजा था, यह सही छवे। हमर विश्वास करा। हमर विश्वास करा। हमरे मन के देखें, तू मन जाए के देखला, मरघटिया हा खाली है, प्रभु का लाश सरोजग नहीं है, पत्रास ताय हमर विश्वास कर। यीशु दुईठे चेला मंजक प्रगट होइस और ओमन खुशी से दूसर चेला मंजक गई। प्रभु सहित में जी उठी से ओहर पत्रसला दिखीस। हमरे जे घरी डगर में रहे ओ के चिन्हे नहीं सके, लेकिन खाए घरी हमरे ओ के चिन्हे। ओ जी उठी से, प्रभु जियत है। तुमन के शांति मिले। तुमन काबर चिंता कर था, तुमन कर मन में शंका काबर होत है? देखा मोर हाथ तो गोड़ ला देखा और जान लिया कि ए मही लागो, मोके छुई के चीन लिया। आत्मा कर हाड़ा और मांस नहीं रहे जिकस तुमन मोके देखा था। मैं यही गोड़ ला तो गुठियात रहें जे घनी मैं तुमन कर संगे रहें कि मोर बारे में मूसा कर कानून, भजन संहिता और अगमजानी मन कर लिखल हर पूरा होए बर रहिस। यही तो लिखल है कि मसीहा हर दुख उठाही और मरल मेले तीसर दिन जी उठी, ओकर नाम में पाप ला छोड़ के क्षमा पाए कर संदेश ला यरूशलेम ले लेके सब संसार में प्रचार करल जाही। तुमने सब बात कर गवाह हवा, मैं पवित्र आत्मा ला भेज हूँ जला मोर दाऊ हर जवान करी से स्वर ले सामत पाए घनी तक तुमन यरूशलेम में जरूर अगुरत रहिया। परमेश्वर तुमन ला आशीष दे। स्वर्ग और धरती का सब अधिकार मोके ला देहिस हवे, एकर ले जाए के सब जाति का लोग मन ला चेला बनावा और ओ मन ला पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देया और वो सब बात ला जेला माए तुमन के आज्ञा देहे हूँ ओला माने बर सिखावा। और देखा मैं संसार का अंत तक तुमन कर संगे हूँ। आमीन। ढेरे बछर कर आगू अगम जानी मन वचन में लिखे रहिन कि परमेश्वर पापी मन ला बचाए बर और आदमी और परमेश्वर कर टूटल संगति ला फिर से जोड़े बर मसीहा ला भेजी। यीशु कर जिंदगी हर ये देखा थे कि वही हर हवे उधार करता।
अगम जानी ऐसा यह लिखिस कि एक ठे कुंवारी आशा पति होही अब एक ठे बेटा ला जन्म देही अब यही कस होइस परमेश्वर कर शक्ति ले कुंवारी मरियम हर आशा पति होइस अब वह यीशु ला जन्म देहीस। जेकस वचन में लिखल हवे कि ओकर चमत्कारिक जन्म हर परमेश्वर कर चिन्ह हवे कि वर मसीह लागे और परमेश्वर हर ओला अपन बेटा कहीस। जब लोग मन यीशु ला देखिन ता परमेश्वर कर स्वभाव और शक्ति ला भी देखिन ओहर लोग मन ला चंगाई और ओमन कर पाप ला माफ करिस ओ जबान करिस कि ओमन ला अपन अनंत राज में जगह देही। यीशु अपन जीवन ला बलिदान करिस और सब आदमी कर दंड अपने सह लेहिस ओहर मरल मिले जी उठे कर चलते ए प्रगट करिस कि ओकर शक्ति हर मौत कर शक्ति ले भी ढेर हवे ओहर कहिस मोर जग अपन प्राण देहे कर भी शक्ति हवे और ओला वापस लेहे कर भी। ओकर जीवन बिल्कुल वही कस रहीस जेकस अगम जानी मन मसीह कर बारे में लिखे रहिन। ए बात कर पक्का सबूत हवे कि मसीह कर वचन पूरा तरह ले पवित्र सच्चा और कभो नहीं बदले वाला हवे। यीशु हर परमेश्वर कर वचन लागे परमेश्वर अपन आप ला यीशु कर द्वारा प्रगट करते। यीशु वही भरपूर जीवन हमके ला देहे बर आइस जे जीवन ला परमेश्वर हर आगू कर नर और नारी ला बनाए घनी देहे रहिस लेकिन ओमन परमेश्वर कर ऊपर विश्वास नहीं करिन और ओकर आज्ञा ला भी नहीं मानिन। वचन में लिखल हवे कि जब मनसे मन पाप करिन और पाप कर फल मृत्यु हवे जे लोग मन पाप करते हैं ओमन परमेश्वर कर संगे संगति करे नहीं सके। जेकस परमेश्वर हर अब्राहम कर बेटा कर जगह में मरे बर भेड़ ला देहीस वही कस परमेश्वर हर यीशु ला आदम कर लैका छुआ कर जगह में मरे बर भेजिस और ऐसना एकर ले करिस कि जे कोई यीशु कर ऊपर विश्वास करते ओन परमेश्वर कर संगे आए सकत हैं। एकर ले जहर यीशु कर संगे चलते ओहर पाप कर दंड ले बाँच के हमेशा परमेश्वर कर संगे रथे। जे घनी यीशु मरल मेले जी उठीस तोहर अपन चेला मन जग कहिस जम दुनिया में लोग मन मोर नाव ले बताही कि परमेश्वर उमन कर पाप ला क्षमा करही जमन पाप ला छोड़ के ओकर कति फिर आही। यीशु एकस भी कहिस कि परमेश्वर पवित्र आत्मा ला भेजी कि ओकर चेला मन कर संगे रह के सच्चाई ला देखाए और ओमन ला शक्ति दे कि ओन परमेश्वर कर डगर में चले। जे घनी एगोट पापी स्त्री अपन पाप ले मन फिराइस और यीशु कर पाछू चले बर शुरू करिस त यीशु हर ओके कहिस तोर पाप क्षमा होइस तोर विश्वास हर तोके बचाए लेहिस। यीशु हर कहिस परमेश्वर जग लोग मन कर माया एला देखाते कि परमेश्वर मन कर पाप ला क्षमा करते। जहर यीशु कर चेला बने कर फैसला करते ओहर यीशु कर संगे अपन रिश्ता कर शुरू एकस गोट ला गोठियाए के कर सकत है। पिता परमेश्वर तय धर्मी हवस मैं तोर धन्यवाद करत हूँ कि तय मोर जग माया करथस। मोके ये बात कर दुख है कि मैं तोर अज्ञा ला नहीं माने और तोर विरोध में पाप ला करें। मैं तोर धन्यवाद देहत हूँ कि अपन बेटा यीशु ला मोर पलटा में क्रूस में मरे बर भेज देहे और ओ मरल मेले जी उठिस। मैं तोर धन्यवाद करत हूँ कि वह मोर पाप कर दंड ला सह लेहिस। मैं तोर डगर में चले बर चाहत हूँ और यीशु ला अपन उद्धार करोइया और प्रभु कर रूप में अपनायक चाहत हूँ। मैं तोर धन्यवाद करत हूँ कि तय मोर पाप ला क्षमा कर दे और सबेज घनी तोर संगे और तोर राज में रहे बर अपन दूरा ला उघार दे। मैं विनती करत हूँ कि तय मोके पवित्र आत्मा दे कि ओहर मोर संगे रहे और अपन डगर ला मोके देखाए। ओहर मोके सामर्थ दे ताकि मैं अपन पूरा मन ले तोर जग प्रेम कर सकूं और कि मैं ऐसना जिंदगी जीऊँ जहर तोके पसंद आए और ये दुनिया में लोग मन तोरी स्तुति करें। आमीन। यीशु अपन चेला मन कर बारे में कहिस मोर भेड़ मोर आवाज ला सुनथे और मैं ओमन के जानत हूँ और ओमन मोर पाछू रेंगथे। यीशु कर चेला आपस में भेटाते रोज दिन यीशु जग गोठियाते ओकर वचन ला सीखते ओमन हमेशा ओकर शिक्षा ला मानते और ओमन ओकर बारे में दूसर के बताते। यीशु ओमन कर डगर देखोया हवे और परमेश्वर कर आत्मा जेहर हृदय में रथे ओमन के सामर्थ देते।
हमेशा सुरता करिहा जेला यीशु हर स्वर्ग उठाए जात घनी अपन चेला मन ला कहे रहिस, परमेश्वर मोके सब धरती और स्वर्ग कर अधिकार देहिस हवे। विश्वास रखिया कि मैं संसार कर अंत तक तुमन कर संगे हौं।